कलदम लश्कर ए झंगवी की गिरफ्तार मुलजिमा सकीना नाज का वीडियो बयान मंजरेआम पर आ गया। मुलजिमा का कहना है कि 2017 में सेंट्रल जेल से फरार होने वाला शेख मुमताज उर्फ फिरौन गुज़श्ता 3-4 माह से उसके घर पर मौजूद था। ज़िला गरबी में पुलिस अहलकार के कत्ल में भी वो मुलविस था। एहतिशाम अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी एहतिशाम, बताएगा क्या नए इंकशाफात सामने आए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, गुज़श्ता रोज़ की जानब से जो है कलदम लश्कर जंगली 3 गिरफ्तार मुलजमों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया गया था। इसमें जो है खातून भी शामिल थी, सकीना नाज, जिसका वीडियो बयान मंजर यहाँ पर आया है। वीडियो बयान में जो है मुलजमा बता रही है कि शेख मुमताज जो कि जून 2017 में सेंट्रल जेल से फरार हुआ था, वो गुज़श्ता 3-4 माह से जो है उसके घर पर रह रहा था, जबकि उसका भाई जैन भी जो है शेख मुमताज के साथ रह रहा था। और ये दोनों जो है वेस्ट जून के इलाके में जो पुलिस टारगेट किलिंग हुई थी उसमें मुलविस थे। सीसीटीवी फुटेज में एक मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठा हुआ है लड़का है वो जो है शेख मुमताज है। इस चीज़ की निशानदेही जो है इसी मुलजमा की जानिब से की गई है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी जो है पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने जो है इस गैंग के 3 सलूककारों को गिरफ्तार किया है। तमाम मरकजी मुलजिम जो है अभी भी फरार है। जो इंतहाई मतलूब मुलजिम है कलदम तंजीम का शेख मुमताज, वो 2017 जून में फरार हुआ था। अभी भी इसको जो है वो कराची में आके जो है पुलिस की टारगेटिंग में मुलव्वस हुआ। तमाम पुलिस अभी भी इसको गिरफ्तार करने में जो है नाकाम है। ठीक है एहतिशाम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।